अब हमारे साथ खिजरा है, कोयटा से है जनाब। खिजरा, खिजरा हमारे साथ कोयटा से। पहले हम पैकेज देखेंगे, उसके बाद खिजरा तो कोयटा से नहीं आ सके, लेकिन हम कोयटा ले जाएंगे आपको और सुनवाएंगे उनकी आवाज। लेकिन पहले पैकेज देखते हैं और फिर पैकेज की बात उनको सुनेंगे। आइए। बनू समा की आवाज की हमारी आज की कंटेस्टेंट हैं खिजरा बतूल, जिनका ताल्लुक कोयटा से है। खिजरा बचपन से ही नातख्वानी कर रही हैं और नातख्वानी में अपने वालिद और अपने दादा जान से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं और उन्हीं को देख के नात पढ़ना सीखती हैं। हमारे घर में मेरे दादा और मेरे वालिद साहब पढ़ते हैं, तो मैं उन्हें ही देख कर मुझे ये शौक हुआ और मैं काफी सारे मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हूँ। वालिद की बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है और वालिद कहते हैं कि खिजरा को बनो समा की आवाज़ के इस मुकाबले में शामिल होने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी, जो कि आज पूरी हो गई है। बचपन से 3 साल की उम्र से इन्होंने पढ़ना शुरू किया। कंपटीशन काफी सख्त होगा, लेकिन जो अच्छा पढ़ेगा वो विन करेगा। मेरी दुआएं हमेशा खिजरा को आगे बढ़े और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और बनो समा की आवाज़ जीत के आएगी इंशाल्लाह। खिजरा को अपने वालिद और वालदा दोनों की बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है और इसके साथ साथ उनके दादा जान की दुआएं भी उनके साथ हैं। अब देखना ये है कि खिजरा क्या हमारे जजेस को अपनी इस परफॉर्मेंस से मुतासर कर पाएगी या नहीं। आइए चल के सुनते हैं खिजरा की नात। खिजरा बतूल की आईडी है 02। जहाँ रहमत बरसती है नाज़ां जिस पे खुद जन्नत वो बसती ऐसी बसती है। मैं जाऊँ जानिबे तबा जहाँ रहमत बरसती है। जमीन ऐसी के जिसकी अजमतों पर आसमां हैरान, जमीन ऐसी के जिसकी अजमतों पर आसमां सरसराती है के जैसे हूर हंसती है। मैं जाऊं जानिबे तबा जहां रहमत बरसती है। आप हमें सुन रही हैं? जी खिजरा आप हमें सुन रही हैं? जी बिल्कुल। खिजरा तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। जी 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 आ रही है। जब खिजरा आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना होगा तो मैं और बिलाल भाई आपको सुन सकेंगे मजीद। जी आ रही है आपकी आवाज। जी आ रही है आपकी आवाज। उफ़ो, बहुत खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह खिजरा आपकी, और क्या खूब तरबियत दी है आपके वालदैन ने। और आप ये बताइए कि आपको बनो समा की आवाज में अब आप आ चुकी हैं और आप हिस्सा बन चुकी हैं, इसका कैसा लग रहा है? और अपने लिए वोट अपील भी करनी है आपने लोगों से, है ना? और ये गाड़ी जीत के जाना है यहाँ से, है ना? हबीब की गाड़ी को लेके यहाँ से जाना है आपने। हजारा फैमिली से ताल्लुक है बिलाल भाई इनका माशाल्लाह से। ये बच्चे ऐसा सुन के लगता है कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। बिल्कुल ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, घर में ये तरबियत रही है। हाँ बेटा बिल्कुल, अपने वोट अपील करिए, लोगों से अपने लिए वोट मांगिए, अपना कोड बोलिए। 02 आपका आईडी कोड है और अपने लिए वोट मांगिए लोगों से।
मैं अपने तमाम व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि अगर उन्हें मेरी आवाज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। मेरा आईडी नंबर है 01। आई मेरी जान 02। कितनी खूबसूरत मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, वाह माशाल्लाह। ये कितना मजे की बात है कि बिलाल भाई इस बात पे मैं तो कहती गाड़ी है ना, गाड़ी वैसे दे दी कि दूसरे के लिए कोर्ट में दूसरे का बोल दिया। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो जी वोट है। इस पे क्या राय है इस बच्ची के ऊपर, आप लोगों ने जब सुना इसको? बहुत खूबसूरत आवाज थी बिलाल भाई, और हमने ऑडिशन में जब सुना तब भी बहुत पसंद आई और आज भी, लेकिन थोड़ा सा बच्ची ने अंतरा थोड़ा सा ऊपर रख लिया, थोड़ा सा ऊंचा अंतरे में मुश्किल हुई थोड़ी सी, लेकिन ओवरऑल की जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है। बाकी सामाइन और सबसे अच्छी बात है ये हजारे वाली होकर, मतलब इनकी लैंग्वेज ऐसी, लेकिन तलफ्फुज़ का बड़ा ख्याल किया, तलफ्फुज़ बहुत क्लियर था, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ा है, वॉइस की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा।